नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 19 फरवरी के दिन आप लोगों का प्रथम एवं द्वितीय पाली में आप लोगों का पेपर होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको संस्कृत में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था, आप लोगों ने विश्वास के साथ याद किया था ना, आप लोगों ने सब लिख दिया। बहुत मतलब अच्छा पूछा था कि नहीं पूछा था, लेकिन मैंने जो बताया था वो आराम से आप लोगों ने लिखा और लड़ा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है जो 5 नंबर में है और जो 2 नंबर में है, आप उसको मैं बता देता हूँ, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए। पहले याद करके ही आपको जाना है, ठीक है ना। और सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपको ना इस चैनल के माध्यम से आपको वीवीआई क्वेश्चन दे सकूँ, ठीक है ना। सब लोग आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। अब देखिए आपका दोस्तों पहला प्रश्न, ये आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 6 नंबर का ना पूछा जाता है जी। तो 6 नंबर का ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। देखो, प्रश्न आपका है अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। बहुत आसान है, इतना आसान है ना कि मैं उम्मीद दिलाता हूं कि मात्र एक बार वीडियो को तुम देख लो। अगर नहीं याद हुआ ना, मेरा नाम बदल देना, इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, लेकिन एक बार देख लो, आपके लिए फायदे के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, आप सबसे पहले ब्लैक पेन से लिखना एग्जामिनेशन में अर्थव्यवस्था की संरचना, यानी कि अर्थव्यवस्था की संरचना का परिभाषा लिखना है पहले, फिर उसके टाइप्स लिखना है, फिर उसके टाइप्स को वर्णन करना है, ठीक है। और देखिए यहां पर लिखना है आप लोगों को, अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है, अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है, जैसे कृषि उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि। ये आपका हो गया क्या, तो अर्थव्यवस्था की संरचना का परिभाषा हो गया। अब फिर उसके नीचे लिखना, अर्थव्यवस्था की संरचना को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र का नाम है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा का नाम है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा का नाम है आपका तृतीय क्षेत्र। तीसरा का नाम क्या है दोस्तों, आपका तृतीय क्षेत्र नाम है दोस्तों, ठीक है ना। अब प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय को एक एक करके हम वर्णन कर, मैंने बहुत ईजी है, इतना आराम से याद कर लेंगे ना कि पूछिए मत। ये देखिए, इसका पहला देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, एग्जाम में दोस्तों पूछेगा, ठीक है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछता है कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र को। फिर पूछता है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर भी लिखना है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पशुपालन जैसे कि गाय भैंस हो पालना, फिर आपका मछली पालन, मुर्गी पालन इत्यादि आते हैं। यह ग्रामीणों के जीवन के आधार है। ये जो आपका है ना, जो गांव के किसान है या फिर गांव का लोग है, उनका ये मतलब कि एक मुख्य आधार होता है, ऋण होता है, पैसा कमाने का, दो बहुत की रोटी खाने का, ठीक है। अब देखो, ये दूसरा हमारा है द्वितीय क्षेत्र क्या है। अब देखो, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछे कि औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र को आप लोग बोल देना, ठीक है। अब देखिए, इसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन करना, मतलब कोई भी वस्तुओं का उत्पादन करना, पेट्रोलियम तेल हो गया, ठीक है, और गैस निकालने के साथ साथ जो बिजली उत्पादन का काम होता है ना, वो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में ही दोस्तों आता है, मतलब कि द्वितीय क्षेत्र में ही आता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसका अगला टाइप्स आपका तीसरा नंबर, इसका टाइप्स है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। ये देखिए, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछेगा तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो सेवा क्षेत्र को। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो तृतीय क्षेत्र अपने बता देना। अब देखो, इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत बैंकिंग के काम, बीमा, परिवहन के साधनों, व्यापार या नौकरी इत्यादि आते हैं। अध्यापक जो विद्यालय में पढ़ाते हैं, वह भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी दोस्तों आपको वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का, 5 नंबर का नहीं आता है सोशल साइंस में, ठीक है ना। 6 नंबर का आता है, या 6 नंबर, 4 नंबर ऐसे ही आता है। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर, ये भी दोस्तों आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये दोस्तों क्वेश्चन पक्का आएगा, गेहूँ नहीं तो चावल पक्का आएगा, दोनों आपको बता दूंगा। देखो, गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें, मतलब कि गेहूं को कब बोते हैं, कब काटते हैं, कब पकता है, क्या करते हैं गेहूं से संबंधित, हम लोग सब कुछ आपको इसमें लिख देना है, ओके। तो देखो क्या करना है, पहले लिखिएगा गेहूं उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं इस प्रकार है, ठीक है। और आपका पहला इसमें लिखिएगा,
कि गेहूं को बोते समय 10 डिग्री का तापमान और काटते समय 15 डिग्री का तापमान होना आवश्यक है। दोस्तों 15 डिग्री से अलग ज़्यादा भी होता है, क्योंकि आजकल दोस्तों 30 डिग्री तक तापमान चला जाता है, 30 डिग्री 25 डिग्री तक तापमान चला जाता है आजकल, जाता है ना दोस्तों, जाता है, बिल्कुल जाता है, ठीक है। तो मतलब इतना तापमान होना चाहिए। अब देखो इसका दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा कि गेहूं की उपज के लिए 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि जब गेहूं को आप मतलब कि गेहूं की अगर अच्छी उपज चाहिए ना, गेहूं की अगर अच्छी उपज चाहिए तो कम से कम 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक आपको वर्षा की ज़रूरत पड़ेगा। और इसका तीसरा लिखिएगा कि गेहूं की उपज के लिए, गेहूं की अच्छी उपज के लिए दोमट जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको गेहूं की अच्छी उपज करानी है तो मतलब कि दोमट जलोढ़ मिट्टी की आपको ज़्यादातर ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब दोस्तों आगे देखिए, आगे आपका चौथा नंबर है, चौथा नंबर है कि गेहूं को पकते समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। यानी कि दोस्तों आप लोग समझते हो ना, गेहूं का जो दाना होता है ना बहुत पहले ही तैयार हो जाता है, लेकिन जब तक दोस्तों पछुआ बहता है तो थोड़ा बहुत धूप होती है, और पछुआ बहता है तो फटाक से गेहूँ को ना मजबूर कर देता है पकने के लिए। तो गेहूं तुरंत ले, एक हफ्ते के अंदर 5 दिन के अंदर गेहूं पक जाता है और लोग कटना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कटनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों गेहूं को ना मतलब कि पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता पड़ती है, पूर्वा जब तक नहीं बहेगा तब तक जल्दी वो पकबे नहीं करेगा, ये भी लिख देना, एकदम पक्का नंबर मिल जाएगा। अब देखो इसका उत्पादक क्षेत्र वो देख लियो, गेहूं एक कटिबंधीय पौधा होता है, गेहूँ क्या होता है, एक कटिबंधीय पौधा होता है, एग्जाम में पूछ देगा, गेहूँ एक कटिबंधीय पौधा होता है। देश में कुल गेहूं उत्पादन 2/3 पंजाब, देखो पंजाब में होता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश, जहां देश का 1/3 भाग गेहूं पैदा किया जाता है इसका, ठीक है ना। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गेहूँ की खेती की जाती है, आप लोग इसको लिख देना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन ये 2 नंबर का पूछेगा आपको बोर्ड परीक्षा में, परिवारवाद एवं जातिवाद के बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है, उल्लेख करें, ठीक है। उत्तर में लिखिएगा बिहार के लोकतंत्र में जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद जैसी बुराइयां हैं, ये 100% सही बात है। फिर देखिए, परिवारवाद के चलते राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, ऐसी परिस्थिति में भारतीय लोकतंत्र राजनीति को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ कानून का निर्माण करते हैं, इसे साफ सुथरा बनाने की बात करते हैं, परंतु समस्या है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का समाधान केवल कानून बनाने से नहीं होगा ना दोस्तों, केवल कानून बनाने से नहीं होगा। ये दोस्तों आप लोग लिख देना, आपका नंबर अच्छा मिलेगा। और देखिए अगला है आपका 7 नंबर, ये क्वेश्चन गजब का ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपका 7वां नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून क्या है। उत्तर में लिखिएगा अपने दलों को छोड़कर दूसरे दलों की सदस्यता ग्रहण करना दल बदल कहलाता है, यह नियम सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, क्योंकि यह ज़्यादातर दलों की अदला बदली करते हैं, और इन्हीं सब को रोकने के लिए दल बदल कानून दोस्तों बनाया गया। यानी कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है, सांसदों और विधायकों पर। अब पक्का पूछेगा, देख लेना मेरे दोस्तों, पक्का पूछेगा दल बदल कानून किस पर लागू होता है, सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, इसको लिख देना आप लोगों को। अब देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, ये क्वेश्चन आता है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। यानी कि दोस्तों ध्यान समझना, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता क्या करती है ना, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। जैसे नहीं होता है गाँव के लोग ना जिसको चाहेंगे उसी को जिताएंगे, मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो, कुछ भी, या फिर देश के कोई भी हो, अगर जनता नहीं चाहेंगे ना तो कोई भी व्यक्ति नहीं जीत सकता है, जनता अपने दम पर ही किसी भी प्रतिनिधि को चुनकर जिताती है। तो वही कह रहा है कि लोकतंत्र सब क्या समझते हैं, तो लोकतंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, और चुने हुए प्रतिनिधि एक सरकार का निर्माण करते हैं, जिस प्रतिनिधि को चुनोगे वो प्रतिनिधि एक सरकार का गठन करेगा, और लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। यानी कि दोस्तों माना जाता है कि लोकतंत्र का सबसे सबसे जबरदस्त और सबसे बढ़िया परिभाषा
अमेरिका के रह मतलब रह चुके राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया है। उनका कथन है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह उन्हीं का कथन है और कहा जाता है इनसे बड़ा कोई लोकतंत्र का अच्छा परिभाषा अभी तक नहीं दिया है। अब दोस्तों अगला आपका प्रश्न आता है 9 नंबर, ये प्रश्न है दोस्तों आपका कि क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। इसका आंसर आप क्या देंगे, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, तो उत्तर में लिखिएगा हाँ, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि शिक्षा के कारण ही मतदाता ना तो अपने अधिकारों को समझ पाता है और नहीं अपने कर्तव्य को समझ पाता है। शिक्षा के कारण ही वोट देने में भी असमर्थ हो जाते हैं कि वोट किसको देना अच्छा रहेगा। तो शिक्षा लोकतंत्र शिक्षा मतलब शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए पक्का चुनौती है दोस्तों, ठीक है ना। ये आपका दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेना, ठीक है ना। और PDF अगर चाहिए तो PDF के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का दोस्तों ये नंबर है 9244 5907, लास्ट में 99, बस इस नंबर पर एक बार ना हाय लिखकर SMS कर देना, नहीं तो हेलो लिखकर SMS कर देना। हाय हेलो लिखकर SMS करिए, मैं आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देता हूँ और वहाँ से PDF आपको हम दे देंगे, ठीक है ना। आप वहाँ से PDF ले लेना।